सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त जय और आप देख रहे हो जय का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो 100% आपके चैनल के ऊपर बहुत ही जल्दी से सब्सक्राइबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आपको फॉलो करना है, तभी आपके चैनल के ऊपर अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आपको इससे दो फायदे होने वाले हैं, आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे और इसके साथ साथ आपके एरिया के अंदर आप बहुत ही जल्दी से फेमस हो सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि यहाँ पर आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो उसके अंदर आप एक गलती करते हो, वो गलती मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो उसके अंदर क्या करते हो, अपलोड वीडियो में जाते हो। अपलोड वीडियो में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप टाइटल लिखते हो, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आ गई, लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन के अंदर जाना है आपको और लोकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप जिस भी एरिया से हो वो एरिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं यहाँ पर पंचमहल से हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं पंचमहल लिखूँगा और पंचमहल को यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं इस लोकेशन को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो पंचमहल यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इस वीडियो को हमें पब्लिश करना है। तो इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होता है, मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका वीडियो कोई भी बंदा देखता है तो आपके वीडियो के साथ साथ उसे आपका लोकेशन भी वहाँ पर शो होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके एरिया के अंदर जितने भी यूट्यूब देखते हैं, आपकी वीडियो को देखते हैं, अगर उसके सामने आपकी वीडियो आ जाती है तो वो बंदे आपके वीडियो को देखते हैं और उसके साथ साथ आपकी लोकेशन को देखते हैं, तो उसे लगता है कि चलो यार, हमारे एरिया से ये बंदा है तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और वो लोग करेंगे ही, क्योंकि उसके एरिया से कोई भी बंदा उसके सामने अचानक से आ जाता है तो वो लोग आपके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक यूट्यूब क्या करता है कि आप यहाँ पर अगर लोकेशन सिलेक्ट करते हो तो लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यूट्यूब क्या करता है कि आपके एरिया के, मान लो कि यहाँ पे मैंने पंचमहल सिलेक्ट कर लिया, तो पंचमहल के अंदर जितने भी यूट्यूब देखते हैं उन सबके सामने आपकी वीडियो को वो भेजते हैं, ठीक है। उसको सजेशन के अंदर भी भेजते हैं या तो फिर यूट्यूब सर्च के अंदर भी भेज देते हैं कभी कभी, या तो फिर ब्राउज फीचर में भी वो लोग भेज देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करते हो तो आपके एरिया के अंदर, आपके जितने भी एरिया के अंदर जो भी YouTube देखता है उसके सामने आपकी वीडियो कहीं ना कहीं आ जाती है। तो अब YouTube आपकी वीडियो को भी ज़्यादा वहाँ पे आपके एरिया के अंदर फैलाता है, जिसके ज़रिए आपके चैनल के अंदर ज़्यादा व्यूज़ भी आ सकते हैं और उसके साथ साथ आपके चैनल के ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होता है। तो आप जब भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपका यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लोकेशन को ज़रूर से यहाँ पर आप सेट करिए, क्योंकि अगर आप लोकेशन यहाँ पर सेट करते हो तो आपके एरिया के अंदर आप बहुत ही जल्दी से फेमस हो सकते हो, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे और आपके चैनल पर व्यूज़ भी बहुत जल्दी से आने लगेंगे और आपका चैनल बहुत ही अच्छे से जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके जैसे और भी लोगों को यहाँ पर पता चल जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।